हमारा अनुमान चल रहा है 72 शोहदाए करबला, जिसके एपिसोड नंबर आए 66 और 67। आज हम बयान करेंगे हजरत आमिर बिन मुस्लिम और हजरत अबाद बिन मुहाजिर के बारे में। कि हजरत आमिर बिन मुस्लिम के बारे में आकाए शेख दूसरी ने अपनी रिजाल में आपको इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सहाब में से बयान किया, और इसी तरह ज़ियारत नाहिया और ज़ियारत रजबिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सलाम मौजूद है कि अस्सलामु अला आमिर बिन मुस्लिम। और इसी तरह हजरत आमिर बिन मुस्लिम जो है उनका मुकम्मल नाम अब्दी अल बसरी कहा गया है कि हमला ओला के मक्तूलीन में से थे। कि इसी तरह हदायतुल बरदिया में कि हजरत आमिर बिन मुस्लिम अब्दी बसरा के शियों में से थे, आपका ताल्लुक बसरा से था। वो अपने गुलाम सालिम और यजीद बिन सबीत, ये दोनों शख्स हजरत सालिम और हजरत यजीद बिन सबीत पर हम एपिसोड बना चुके हैं, उनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। ये गुलाम थे हजरत सालिम और यजीद बिन सबीत हजरत आमिर बिन मुस्लिम के। हजरत आमिर बिन मुस्लिम अपने गुलाम सालिम और यजीद बिन सबीत के साथ बसरा से रवाना हुए और अब तक के मुकाम पर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और आपके साथ करबला आए। हजरत आमिर बिन मुस्लिम अब्दी हमला ओला में शहीद, यानी कि शुरू जोहर से पहले पहले जो शहीद हुए वो अव्वल फहरिस्त में गिने जाते हैं, आपका शुमार उनमें होता है। और ये बड़ी बहादुरी से उन्होंने जंग की थी कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इनके लाशे पर भी आए। आप अंदाजा कीजिए कि ये वो शख्स है जिसने अपने दो गुलाम हजरत सालिम हजरत यजीद बिन सबीत को भी, वो भी मैदान करबला में शहीद हुए, और साथ उनका मालिक जो है, जो उनका आका है हजरत आमिर बिन मुस्लिम, वो भी शहीद हो गए। और आज हम साथ बयान करेंगे हजरत अबाद बिन मुहाजिर के बारे में, जिनके बारे में रवायात में कुछ यूं मिलता है कि अबाद बिन मुहाजिर उन लोगों में से हैं जिन्होंने जहनिया के पानी के पास इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जब जुबाला के मुकाम पर पहुंचे और हजरत मुस्लिम बिन अकील और हजरत हानी की शहादत की खबर हर तरफ फैल चुकी थी तो कुछ अरबों ने आपका साथ छोड़ दिया। आप देखेंगे जब लोगों को पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और हजरत हानी कूफा के शियों में से थे और बहुत मोतबर थे और बहुत बुजुर्ग इंसान थे कि जिनकी इज्जत हर शख्स करता था, हजरत हानी अलैहिस्सलाम हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का साथ देते रहे। जब अरब के लोगों को यह पता चला कि हानी जैसी शख्सियत शहीद हो चुकी है, हजरत मुस्लिम बिन अकील जैसी शख्सियत शहीद हो चुकी है, तो कुछ अरबों ने आपका साथ छोड़ दिया इमाम का, लेकिन अबाद बिन मुहाजिर ने आपको ना छोड़ा और आशूर के दिन तक इमाम का साथ देते रहे और आखिरकार जामे शहादत नोश फरमाया। आज के सिर्फ इतना ही गुजारिश, सिर्फ इतनी कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी 72 शोदा की हिस्ट्री से आशना हो सके। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।